बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मिस सिद्रा कुरैश फ्रॉम लिटिल मास्टर्स मॉडल स्कूल। होप यू पीपल विल बी फाइन एंड यूटिलाइजिंग योर टाइम वेरी ऑनेस्टली इन योर स्टडीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 6। द नेम ऑफ चैप्टर इज सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। सेंसेस क्या होते हैं और सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? आर सेंसेस डिटेक्ट चेंजेस इन आर सेल्स इन आर सराउंडिंग्स। हमारे सेंसेस क्या होते हैं? हमारे अंदर चेंजेस और हमारे सराउंडिंग के अंदर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर क्या चेंज हो रहा है और हमारे आसपास इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है उसको कौन महसूस करता है? हमारे सेंसेस महसूस करते हैं। और किसकी हेल्प से? सेंस ऑर्गन की हेल्प से। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हमारे अंदर चेंजेस डिटेक्ट करते हैं। ये हमारे अंदर 5 सेंसेस होती हैं और ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंसेस कौन सी होती है? साइट की सेंस होती है देखने की, जो किसके ज़रिए से होती है? आई की वजह से। ठीक है, सेंस ऑर्गन आपका आई। हेयरिंग की सेंस होती है आपके अंदर, जिसका सेंस ऑर्गन कौन सा होता है? एयर। आपकी टेस्ट की सेंस ऑर्गन होती सेंस होती है और सेंस ऑर्गन आपका होता है टंग। ठीक है, और आपकी टच की सेंस होती है, जिसका आपका सेंस ऑर्गन होता है आपकी स्किन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हाथ छो किया हुआ है लेकिन पूरी स्किन आपकी। स्मेल की आपकी सेंस होती है और सेंस ऑर्गन आपका होता है नोस। लेट्स स्टार्ट। टू सर्वाइव एंड बी सक्सेसफुल एनी एनिमल नीड्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। आपको सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और अच्छी ज़िंदगी, सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए, तरक्की याफ्ता ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी भी जानदार को ज़रूरत होती है, किसी भी जानवर को ज़रूरत होती है कि उसको ये मालूम हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, उसके आसपास जो भी हो रहा है वो उसको मालूम होगा तो ही वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकेगा। विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन एन एनिमल वुड नॉट बी एबल टू फाइंड अ फूड और शेल्टर, फाइंड अ मेट और अवॉइड इट्स एनिमीज। इन चीज़ों के बगैर, इन इंफॉर्मेशन के बगैर एक जानवर जो सा है वो कभी भी अपनी फूड नहीं हासिल कर सकेगा, अपना रहने की जगह नहीं हासिल कर सकेगा और मेट कहते हैं अपना ऑपोजिट फीमेल नहीं फाइंड कर सकेगा और अवॉइड इट्स एनिमीज और अपने दुश्मनों को से भी खुद को नहीं बचा पाएगा। अगर उसको मालूम ही नहीं होगा उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके सेंसेस वर्क नहीं कर रहे होंगे तो वो कैसे अपनी फूड भी ढूंढेगा? अगर उसको नज़र नहीं आ रहा या उसको स्मेल नहीं आ रही तो उसको फूड का पता नहीं चलेगा। अगर उसको नज़र नहीं आ रहा तो उसको अपने दुश्मन का भी पता नहीं चलेगा। अगर उसको नज़र नहीं आ रहा वो अपने रहने की जगह भी कैसे ढूंढेगा? ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए और इसके लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है आसपास की कि उसके आसपास क्या हो रहा है। दिस वाइटल इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेंसेस। और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? हमारे सेंसेस। ठीक है, हमारी सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हेयरिंग, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं ये इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास, हमारे आसपास क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं और आपको फ़ौरन से लड़ाई की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी सेंस ऑफ हेयरिंग प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है, तो आप फ़ौरन से भाग के जाएंगे, आप देखेंगे कि किस वजह से हो रही है, कोई रीज़न मालूम करेंगे। लेकिन अगर आपकी सेंस ऑफ हेयरिंग वर्क ही नहीं कर रही, आपको पता ही नहीं चल रहा आपके पास में क्या हो रहा है, आपको सुनाई ही नहीं दे रहा, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को रिएक्ट नहीं करेंगे और सुकून से बैठे रहेंगे। तो क्या इन चीज़ों में फ़र्क है कि आपको आपके आसपास के इन्वायरमेंट से अवेयर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने आप को भी महफूज रख सकें। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई। के कोई भी स्टिमुलाई कहते हैं किसी भी हमारे बाहर जो चेंज हो रहा है या हमारी बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, फ़ौरन से कोई मेरी आंख में लाइट मारता है, मेरे बाहर चेंज हुआ, ठीक है, अचानक से लाइट चेंज हो गई मेरी आंखों के बाहर, जो नॉर्मल लाइट थी उससे हट के तेज़ रोशनी मेरी आंखों के अंदर आना शुरू हो गई, तो क्या ये है स्टिमुलाई? नाउ आई विल शो यू सम पिक्चर्स रिगार्डिंग स्टिमुलाई। जी, यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स? धूप की, सूरज की रोशनी उसकी आंखों के अंदर आ रही है या कोई भी रोशनी आ रही है तो फ़ौरन से अपनी आंखें बंद करेगी। ये है एक स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है, आपका पाँव किसी भी नोकीली चीज़ के ऊपर आ जाता है गलती से, तो आप फ़ौरन से अपने पाँव को
हटाएंगे, ये जो नोकीली चीज़ है जिसके ऊपर आपका पाँव, ये आपका स्टिमुलाय है, चेंज है आपके एनवायरनमेंट में, और आपका हटाना आपका रिस्पॉन्स है। इसी तरीके से किसी गर्म चीज़ को आपका हाथ लग गया, ठीक है, हाथ जो गर्म चीज़ है वो आपका स्टिमुलाय है, ठीक है, वो गर्म है, आपको नहीं पता वो गर्म है, आपने हाथ लगा लिया, और फ़ौरन से पीछे करना आपका रिस्पॉन्स है। इसी तरीके से किसी भी नोकीली चीज़ को हाथ लग जाना और फ़ौरन से उसको हाथ को पीछे कर लेना, ये स्टिमुलाय और उसका रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट देखें, आप किसी भी गंदी जगह के पास से गुजरे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो है कचरा है, अब यहाँ से आप गुजरे हैं, ये आपका स्टिमुलस या स्टिमुलाय है, ठीक है, स्टिमुलाय ज़्यादा को स्टिमुलस एक को बोलते हैं, ये आपका स्टिमुलस है, चेंज है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है, और आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपने फ़ौरन से अपने नाक पे हाथ रख लिया, ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स है, आपने अपने नोज़ को कवर कर लिया, बैड स्मेल आपका स्टिमुलस है और कवर द नोज़ आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसी तरीके से आपका किसी गर्म चीज़ को हाथ लग गया, ठीक है, स्टिमुलस आपका क्या है, हॉट प्लेट, ठीक है, हॉट प्लेट आपका स्टिमुलस है, और फ़ौरन से आपका हाथ पीछे करना ये आपका रिस्पॉन्स है। तो हम किसी भी किस्म के स्टिमुलस के उसमें रिएक्ट करते हैं, ये रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि अगर गर्म चीज़ को हाथ लग गया, फ़ौरन से हाथ पीछे करना स्टिमुलस का रिस्पॉन्स या रिएक्ट। Although we do not always rely on the same senses as other animals, जैसे कि हम हमेशा उन senses पर depend नहीं करते जो animals की senses होती हैं, our senses are still vitally important to us, लेकिन फिर भी हमारी senses बहुत ज़्यादा important होती हैं हमारे लिए, ठीक है, हमें animals की तरह shelter नहीं चाहिए, उस तरीके से ढूंढना नहीं पड़ता अपना shelter, ठीक है, जिस तरीके से एनिमल्स ढूंढते हैं, लेकिन हमारे लिए भी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उनके तरीके से नहीं पर अलग तरीके से अपने तमाम काम करने होते हैं। वी हैव टू रिएक्ट क्विकली टू चेंजेस इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडीज़, हमें जितने भी हमारे बॉडी के अंदर या बाहर चेंजेस हो रहे होते हैं उनके जवाब में फ़ौरन से रिएक्ट करना होता है। मैंने अभी आपको बताया, गर्म चीज़ को हाथ लग गया, फ़ौरन से रिएक्ट करना है, किसी कांटे पे पाँव आ गया, फ़ौरन से रिएक्ट करना है, किसी ने बॉल आपकी तरफ उछाल दिया, फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं। If your hand touches something red hot, you immediately pull your hand away. अगर आपका हाथ किसी बहुत गर्म चीज़ को छू जाए तो आप immediately फ़ौरन से अचानक से अपना हाथ को पीछे की तरफ जो है दूर की उससे दूर करते हैं, ठीक है। If someone throws a ball at you, you either catch it or you duck out of its way. अगर कोई आपकी तरफ अचानक से बॉल फेंक दे या तो आप फ़ौरन से उसको कैच कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपका आप रिएक्ट करते हैं अलग अलग हर बंदे का रिएक्शन होता है। अगर किसी की कैचिंग सेंस बहुत अच्छी है वो फ़ौरन से कैच कर लेता है, तो कोई किसी ने आपकी तरफ बॉल फेंकी आप या तो फ़ौरन से उसको कैच कर लेते हैं या फिर आप क्या करते हैं झुक जाते हैं, डकआउट मतलब तेज़ी से नीचे झुक जाते हैं, उसके रास्ते से हट जाते हैं। व्हेन यू अटेम्प्ट टू क्रॉस अ बिजी रोड, यू लुक एंड लिसन टू मेक श्योर इट इज़ सेफ टू क्रॉस टू द अदर साइड। हाँ जी, जब आप कोई रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो आप खड़े होते हैं, देखते हैं, अपने आप को श्योर करते हैं कि आसपास कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, ठीक है, आपके कान और आपकी आंखें दोनों उसी तरफ लगी हुई होती हैं, आपके कान क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि कोई हॉर्न ना हो गाड़ी का। फॉर एग्जांपल अगर मैंने चलो नहीं भी देखा गाड़ी आ रही है, मेरी नज़र नहीं भी गई उस गाड़ी की तरफ, तो वो गाड़ी हॉर्न दे तो मैं फ़ौरन से सुन लूँ और मैं साइड पर हो जाऊँ। When food arrives in your stomach, it reacts by making digestive juice. इसी तरीके से जब आपके मैदे में खुराक पहुंचती है तो आपका जो मैदा है वो फ़ौरन से डाइजेस्टिव जूस बना देता है, ठीक है, ये भी खुराक पहुंची, ये एक स्टिमुलस है, चेंज है मैदे के लिए, और फ़ौरन से डाइजेस्टिव जूस बनाना उसका रिस्पॉन्स है या उसका रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज द थिंग यू रिएक्ट टू, वेदर इट इज़ द हॉट ऑब्जेक्ट, द मूविंग बॉल, द साइट एंड साउंड ऑफ ट्रैफिक और द फूड इन योर स्टमक आर कॉल्ड स्टिमुलाय। कोई भी चेंज जिसकी रिस्पॉन्स में आप रिएक्ट करते हैं, चाहे वो गर्म बर्तन हो, चाहे वो उड़ती हुई आती हुई बॉल हो, या फिर चाहे वो कोई भी ट्रैफिक का हॉर्न हो, या फिर कोई भी गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो जिसके रिस्पॉन्स में आप रिएक्ट करें, जिसके जवाब में आप रिएक्ट करें, उसे कहते हैं स्टिमुलाय। योर बॉडी सेंसेस और डिटेक्ट्स दी स्टिमुलाय विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्पेशल सेल्स। आपकी बॉडी किस तरीके से इन चीज़ों को डिटेक्ट करती है, इन चेंजेस को डिटेक्ट करती है, स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें सेंसरी सेल्स कहते हैं। स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं आप और आपके ब्रेन तक मैसेज पहुँचाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आपका हाथ जो है किसी गर्म चीज़ को लगा, ठीक है, अब वो जो आपका हाथ लगा है उस चीज़ को किसने डिटेक्ट किया, आपके हाथ में मौजूद सेंसरी सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स जिनके बारे में मैंने बात की, सेंसरी सेल्स हैं, वो आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं फ़ौरन से कि ये गर्म है, और फ़ौरन से आपका ब्रेन आपको मैसेज देता है कि अपना हाथ पीछे कर लें, और आप अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं, ये आपका रिएक्शन होता है।
दीज आर कॉल्ड सेंसरी सेल्स. क्या नाम बताया मैंने आपको उनका? सेंसरी सेल्स. स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को किसी भी स्टिमुलाई के उसमें विदा किसी भी स्टिमुलाई के किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, वो होते हैं सेंसरी सेल्स. एंड दे आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू स्पेशल इन स्पेशल सेंस ऑर्गन. और ये सेल्स आपस में ग्रुप होके ऑर्गन बना देते हैं. ठीक है, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं और फिर टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बना देते हैं. तो इसी तरीके से इन सेल्स से ऑर्गन्स बन जाते हैं, सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया था जी. सेंस ऑर्गन्स आपका आई, एयर, आपके टंग, आपकी स्किन, आपकी नोज, वही आपके सेंस ऑर्गन्स क्लियरली दिखाए गए हैं. टेस्ट आपका जबान से होता है, स्मेल आपकी नोज से होती है, साइट आपके आई से होती है, टच का ताल्लुक, टच करने के बाद आपका स्किन होती है मेन. ठीक है, यहाँ पे आपको स्किन शो की हुई है. आगे हेयरिंग आपकी हेयर से होती है. ये सब आपके सेंस ऑर्गन्स हैं जो सेंसरी सेल्स से मिलके बने हुए हैं. अब हम अपना पहला सेंस ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं जो क्या है, स्किन. द स्किन, द स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी. ये बॉडी की आउटर कवरिंग होती है. अब आप अपनी पूरी बॉडी को देखें एक बार, आपकी पूरी जो आउटर कवरिंग है स्किन कलर की, उसको स्किन कलर इसीलिए कहा गया क्योंकि वो स्किन से उसका कलर जो है डिटरमाइन किया गया. स्किन कलर की वो आपकी पूरी की पूरी स्किन है. ऑन एन एवरेज मैन द एरिया ऑफ स्किन इज नियरली 1.8 स्क्वायर मीटर. एक एवरेज मैन यानी कि नॉर्मल जो आदमी होता है उसके जो पूरा एरिया होता है स्किन का वो कितना होता है, 1.8 स्क्वायर मीटर होता है. ठीक है, जितना पूरी स्किन कितनी मौजूद होती है, 1.8 स्क्वायर मीटर स्किन मौजूद होती है आपकी एवरेज मैन के अंदर. द लेयर्स ऑफ स्किन वी सी इज मेड अप इंटायरली ऑफ डेड सेल्स. जो स्किन की लेयर हमें नज़र आती है बाहर की साइड पे, आप अपने हाथों को देखें, बाजुओं को देखें, पाँव को देखें, जो स्किन की लेयर आपको नज़र आ रही होती है वो पूरी की पूरी किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, डेड सेल्स, मरे हुए सेल्स से, डेड सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है. इनफैक्ट योर स्किन, हेयर, नेल्स एंड इवन द सर्फेस ऑफ योर आईज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. यहाँ तक कि आपकी जो स्किन है, आपके हेयर्स हैं, आपके जो नेल्स हैं, और यहाँ तक कि आपकी आईज के जो बाहर वाली पोर्शन है वो भी डेड सेल्स का बना हुआ होता है. दिस ह्यूज ऑर्गन डज मैनी जॉब. और ये बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, पूरी बॉडी पे फैला हुआ है, ये बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारे काम करता है. इट प्रोटेक्ट्स द मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज. ये किस चीज़ की हिफाजत करता है, मसल्स की. ठीक है, आपकी हड्डियों की, लिगामेंट्स आपको हड्डियों के जोड़ने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की, आपके अंदर वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके लंग्स हैं, आपके आपकी पसलियाँ हैं, हार्ट है, इन सब की हिफाजत कौन कर रही है, स्किन. ये सबसे बाहर है, ये इन सब को प्रोटेक्ट कर रही है. इट हेल्प्स टू कीप आउट जर्म्स. और ये जर्म्स को भी बाहर रखती है, आपकी बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देती है. अगर स्किन ना हो तो सारे जर्म्स आपके अंदर वाले बॉडी पार्ट्स को लग के नुकसान पहुँचाएं. इट ऑल्सो इंसुलेट्स अ बॉडी, कंट्रोल इट्स टेम्परेचर एंड इन सनलाइट मेक्स वाइटल वाइटामिन डी. हाँ जी, ये क्या करती है, इंसुलेट्स अ बॉडी. बॉडी को इंसुलेट करने का मतलब क्या है कि बाहर के मुताबिक आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो था है वो ख़राब नहीं होने देती आपको. फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर बहुत गर्मी है तो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स तक ये इस चीज़ को फील नहीं होने देती, सिर्फ और सिर्फ बाहर ही आपको फील होता है कि गर्मी है. आपके हार्ट को, आपके लंग्स को बिल्कुल भी कभी भी फील नहीं होता. आपके लंग्स का, आपके हार्ट का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल रहता है. अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो उससे अंदर वाले बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट नहीं होता. और क्या करती है ये, सूरज की रोशनी के अंदर विटामिन डी बनाती है आपकी स्किन. द स्किन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. इट इज़ सेंसिटिव टू टच एंड ऑल्सो टू प्रेशर, पेन एंड हीट एंड कोल्ड. हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, कि ये सेंस करती है किस किस चीज़ को सेंस करती है, प्रेशर. अगर आपकी स्किन को कोई दबाए आपको प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है, या आप किसी चीज़ को दबाएँ तो वो भी फील हो रहा है आपको. पेन, आपकी स्किन पर सबसे पहले पेन होती है. अगर आपके पाँव पर कोई कट लग जाए तो सबसे पहले आपकी स्किन पर पेन होगी ना. एंड हीट, अगर आपको कोई भी गर्म चीज़ को आप हाथ छूएं तो सबसे पहले आपकी स्किन को फील होगा. एंड कोल्ड, और अगर कोई ठंडी चीज़ को छू लें, या सर्दी या गर्मी हो, सर्दी हो तो भी पहले आपकी स्किन को पता चलता है, ठीक है, गर्मी हो तो भी पहले आपकी स्किन को ही पता चलता है कि बाहर का मौसम कैसा है. नेक्स्ट पैराग्राफ,
एज यू विल सी फ्रॉम द डायग्राम बिलो द स्किन इज कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स. ये नेचुरल डायग्राम से आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये स्किन जो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है और बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बनी हुई है. इवन सो मोर स्किन इज ओनली बिटवीन 1 and 2 millimeter थिक. जो नॉर्मल आपकी स्किन है पूरी बॉडी की वो 1 से 2 millimeter थिक होती है. मोटाई कितनी होती है ये बता रही हूँ, 1 से 2 millimeter आपकी स्किन थिक होती है. अभी आप अपने बाजू की स्किन को पकड़ के देखें, आपके हाथ में आ रही है ये 1 से 2 millimeter जो सी है. आप चुटकी भरेंगे तो आपको समझ में आएंगी 1 से 2 millimeter आपकी स्किन थिक है. ऑन द आईलिड्स इट इज़ वेरी थिन 0.5 millimeter. आपकी जो आईलिड्स हैं आँखों के पपोटे हैं, ठीक है. अगर आप उनकी स्किन को लाइटली पकड़ के देखें तो उसकी स्किन बहुत ही पतली है एज़ कम्पेयर टू योर आर्म स्किन, ठीक है. वो है 0.5 millimeter, बहुत बारीक है. वाइल ऑन द सोल्स ऑफ द फीट वेयर इट गेट्स अ लॉट ऑफ वेयर इट इज़ अबाउट 6 millimeter थिक. और आपके पाँव के जो तले हैं, आपके पाँव के नीचे वाला हिस्सा एडी जिसको आप बोलते हैं, पूरा पाँव, ठीक है, नीचे वाला वो है 6 millimeter. अब आप उसको पकड़ने की कोशिश करें वो आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है. अगर आप उसको चूटी भरने की कोशिश करें तो वो आपके हाथ में कम्प्लीटली नहीं आएगा. तो क्या है, वो सबसे नीचे वाला जो सा है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है. द स्किन ऑफ द पाम्स ऑफ द हैंड एंड द सोल्स ऑफ द फीट इज रिजिड हार्ड टू स्किन टू ग्रिप. हाँ जी, आपके पाम्स जो होते हैं आपकी हथेलियाँ, अगर आप अपनी हथेली को पकड़ के देखें, अगर आप अपनी हथेली को पकड़ें तो उसकी स्किन भी कम्प्लीटली आपके हाथ में नहीं आती, ठीक है. इसी तरीके से आपके पाँव के सोल की स्किन जो होती है वो कम्प्लीटली आपके हाथ में नहीं आती. वजह क्या होती है, क्योंकि इन दोनों जो पोर्शन हैं आपकी हथेलियाँ और आपके पाँव के नीचे वाली जगह, इनको ग्रिप करना होता है. पाँव को ज़मीन पर स्टेबल रहना होता है और आपके हाथों की जो अंदर वाले हिस्से तो इसको ग्रिप करना पकड़ने में मदद देता है. तो ये थोड़ी थिक होती हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से रपच्चर ना हो जाए फ़ौरन से. नेक्स्ट योर टॉपिक इज़ द लेयर ऑफ द स्किन. स्किन इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स. स्किन जो होती है अलग अलग लेयर से, मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर से मिलकर बनी हुई होती है. द टॉप और आउटर लेयर इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस. जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो हमें नज़र आ रही होती है आउटसाइड द बॉडी, इसे कहते हैं एपिडर्मिस. इट इज़ मेड अप ऑफ डेड फ्लैटेंड सेल्स हेल्ड टुगेदर टू मेक अ टफ वाटरप्रूफ कवर. हाँ जी, डेड और फ्लैटेंड, मरे हुए जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं डेड सेल्स, और वो इस तरीके से एक टफ वाटरप्रूफ कवर बना देते हैं. एक तो ये टफ है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे वाटरप्रूफ है. इसके अंदर वाटर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, पानी अंदर नहीं जा सकता. जैसे आप नहाते हैं तो नहाते हुए आपकी स्किन के अंदर से पानी अंदर नहीं जाता, आपके बॉडी के अंदर नहीं जाता. थ्रू आउट लाइफ दीज डेड सेल्स आर रब्ड ऑफ एंड न्यू सेल्स टेक देयर प्लेस फ्रॉम लिविंग लेयर्स बीनीथ. अच्छा, पूरी ज़िंदगी में क्या होता है, ये जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं आपकी स्किन झड़ती भी है. आपके जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो वो जब आप उसको थोड़ा रगड़ें तो वो झड़ जाते हैं, और उसके नीचे एक नई स्किन मौजूद होती है जो कि ऊपर आ जाती है. और वो इसी तरीके से चलता रहता है कि आपकी जब स्किन थोड़ी पुरानी होती है तो वो झड़ जाती है. फॉर एग्जांपल सर्दियों में आपके जो से हाथ वगैरह जो से आप कहते हैं हाथ फट रहे हैं तो क्या हो रही थी, वो स्किन आपकी झड़ रही होती है. अबाउट 20 kg ऑफ डेड स्किन इज शेड बाई एन एवरेज अडल्ट इन अ लाइफ टाइम. पूरी ज़िंदगी में एक एवरेज अडल्ट, एक यंग आदमी जो सा होता है उसकी पूरी ज़िंदगी में 20 kg स्किन जो होती है आपकी गिर जाती है, झड़ जाती है. जो आपकी मतलब वक्त के साथ साथ पुरानी होती है तो झड़ के जो नई आ जाती है, तो झड़ती है जो होती है वो है 20 kg. मच ऑफ दिस डेड स्किन फिनिशेड अप एज डस्ट इन आवर होम्स. और हमारे घर में डस्ट की तरीके से चल जाती है. जब आप अपनी स्किन को, जब आपकी स्किन शेड हो रही होती है, सर्दियों में ज़्यादा मोस्टली होता है ये, तो आप ऐसे हाथ रगड़ के उसको गिरा देते हैं. अब वो कहाँ गिरती है, वो डस्ट की तरीके से कहाँ जाती है आपके घरों में, आपको फील नहीं होता, लेकिन पूरी लाइफ में आप 20 kg स्किन जो होती है वो शेड करते हैं. पहले मैंने आपको बताया था बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, जिसको हम देख सकते हैं. अब हम बात करेंगे नीचे वाली लेयर, लोअर लेयर डर्मिस. द लोअर लेयर ऑफ द स्किन आर कॉल्ड द डर्मिस. जो लोअर लेयर है आपकी स्किन की वो है डर्मिस, ठीक है. एपिडर्मिस आपको ये नज़र आ रही है ऊपर वाली जो बाहर नज़र आती है, और ये आपकी डर्मिस. द डर्मिस कंटेन्स स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड. डर्मिस के अंदर क्या क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं जो पसीना पैदा करते हैं, उसके अलावा ऑयल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, उसके अलावा, हाँ जी, ऑयल ग्लैंड होते हैं. यहाँ पे आपको आई थिंक शो नहीं किए हुए.
It also contains many nerve endings, which are where the senses of touch, pressure, pain and temperature are located. हाँ जी, यहाँ पे बहुत सी नर्व एंडिंग्स भी मौजूद होती हैं जो कि टच को, पेन को, प्रेशर को फील करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये रही यहाँ पे आपको शो की हुई है नर्व एंडिंग जो टच और पेन को फील करती हैं. ठीक है, ये भी आपके टच सेंसरी सेल्स हैं, ये टेम्परेचर सेंसरी सेल्स हैं. और ये जो नर्व एंडिंग है ये मैसेज पहुंचाती हैं. जब भी आपको कोई पेन होता है, नर्व एंडिंग मैसेज लेके जाती हैं कहाँ तक, आपके ब्रेन तक. या आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ब्रेन तक लेके जाती हैं. ठीक है, आउटसाइड द बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं. ठीक है, जब आउटसाइड द टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आपको गर्मी लग रही होती है तो वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं. आपको गर्मी फील हो रही होती है तब वो ब्रेन तक जाता है पूरे का पूरा मैसेज. These and other nerve endings are called receptors because they receive stimuli from the outside world. हाँ जी, ये nerve endings और दूसरी nerve endings जो उनसे और चीज़ें महसूस करती हैं वो क्या कहलाती हैं, receptors. Receptors क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये receive करती हैं. Receive से निकला है recept. Receptors वो जो receive करती हैं stimuli को, जो change को receive करती हैं और कहाँ तक लेके जाती हैं, आपके brain तक लेके जाती हैं. अब मैं आपको diagram की बता देती हूँ. प्रेशर सेंसरी सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो प्रेशर को सेंस करते हैं, प्रेशर को फील करते हैं, कोई भी प्रेशर हो. स्वेट ग्लैंड, ये मैंने आपको बताया, पसीना पैदा करने के लिए. टच सेंसरी सेल्स, ये वो जो टच को फील करते हैं. ठीक है, आगे ये हैं आपके पोर्स, सॉरी ये है पोर. ठीक है, पोर क्या, बहुत छोटे सुराख होते हैं जिनको पोर कहते हैं. हेयर्स, ठीक है, आपकी स्किन पे जो बाल होते हैं. टेम्परेचर सेंसरी सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो टेम्परेचर को फील करते हैं कि टेम्परेचर क्या है. नेक्स्ट है स्किन सरफेस. स्किन सरफेस यानी ऊपर वाली सरफेस. एपिडर्मिस पहली जो हमें बाहर नज़र आती है वो, और दूसरी है डर्मिस जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं. प्रेशर सेंसरी सेल्स, टच सेंसरी सेल्स, आपके ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, खून की शरियाने आपको पता है मौजूद होती हैं, आपकी पूरी स्किन के अंदर मौजूद होती हैं. हेयर इरेक्टर मसल्स, ये वो मसल्स हैं जो बालों को अंदर से जड़ देते हैं या मजबूती देते हैं. नर्व एंडिंग सेंसिटिव टू टच और पेन, ये वो नर्व एंडिंग है जो टच और पेन को फील करती है और फिर ब्रेन तक लेके जाती है. नेक्स्ट है फैट्स. फैट्स जो होती है आपकी चर्बी की लेयर होती है, स्किन के नीचे फैट्स की लेयर होती है जो आपकी बॉडी को बाहर की गर्मी अंदर नहीं पहुंचने देती. ठीक है, प्रेशर सेंसरी सेल्स, वो जो प्रेशर को फील करते हैं. अ सेक्शन थ्रू द ह्यूमन स्किन शोइंग द सेंसरी नर्व एंडिंग, यानी कि वो सेक्शन ह्यूमन स्किन का शो कर रहे हैं आपको जिसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं जो कि मैसेज लेके जाती हैं आपका ब्रेन तक. And humans, there are most touch and pressure receptors on the skin of the tongue and fingertips.